हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी वे सिविल बड़ी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया और आज की हमारी स्पेशल क्लास है जिसमें हम बात करने वाले हैं ब्रिज एंड कलवर्ट के बारे में। तो जितनी जितनी बेसिक बातें हो सकती हैं ब्रिज और कलवर्ट की वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सब कुछ ठीक है, आवाज़ वगैरह प्रॉपर है और आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। चलिए नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी को, राम राम। चलो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और बाकी आपसे निवेदन है कि इन वीडियोस को और क्लास के लिंक को आप सभी जगह फॉरवर्ड कर दिए अपने दोस्तों को, जिससे मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकें। देखो कुछ एक दो बातें हैं वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो ब्रिज और कलवर्ट जो होता है, इस ब्रिज एल कलवर्ट के बारे में कुछ दो चार बातें होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैसे ब्रिज कौन सा ब्रिज, कितने टाइप का ब्रिज है, कौन सी लोडिंग होती है, किस तरह से लोडिंग को क्लासीफाई किया गया कोड में, कौन से ब्रिज का कितना स्पान होता है, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, कि आपका कितना स्पान है, कितना नहीं है, कहाँ प्रोवाइड करना है और किस पर्टिकुलर ब्रिज का कहाँ तक स्पान होता है। साथ ही साथ में आपका कोड जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो साथ में कोड भी अटैच करके मैं दूंगा और बाकी कोड की इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कोड कहाँ कहाँ से आप ले सकते हो। ये प्राइमरी बेसिक कोड है, ये तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि कौन सा कोड है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो मैं फटाफट से एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। ओके, तो पहले हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या नहीं। देखिए ये आपका कोड है, इस कोड में आपके कुछ इंडेक्स बता देता हूँ। सबसे बेस्ट ये है कि इंट्रोडक्शन ब्रिज वगैरह के बारे में, स्कोप, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, जनरल प्रोविजन, प्लानिंग कंसिडरेशन, इसके अलावा ज्योमेट्रिक जो कंसिडरेशन होते हैं, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलिक डिज़ाइन के कंसिडरेशन और बहुत सारी चीज़ें आपके जो अलग अलग आपके रोड सिग्नल वगैरह जो होते हैं उनके बारे में, ऑपरेशंस वगैरह के बारे में सारी जानकारी आपको इस कोड में मिलती है। तो ये कोड भी आपको जो PDF मिलेगी उसके साथ में अटैच होगा ये, ठीक है। और अब अगर मैं बात करता हूँ क्लास के बारे में, तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ब्रिज जो है, उस ब्रिज इंजीनियरिंग में हमें कौन कौन से कोड हैं जिनकी हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और कुछ नहीं तो आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा कोड है, वो किसके लिए है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके नाम। फॉर एग्जाम्पल IRC5 जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, IRC5 जो कोड है, ये कोड किस चीज़ के लिए, ये है कोड प्रैक्टिस फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्रिज। ब्रिज के स्पेसिफिकेशन के लिए, उसके क्लासिफिकेशन वगैरह के लिए दिया जाता है, इंट्रोडक्शन वगैरह के लिए। IRC6 जो है कोड आपका 2010, वो आपको LSM थ्योरी के अकॉर्डिंग लोड और स्ट्रेस की जानकारी देता है, जबकि इससे पहले का जो कोड था वो था WSM जो थ्योरी, उस पर बेस्ड था, जो कि IRC6 2000 के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा IRC21 है, ये आपको सीमेंट कंक्रीट जो होती है, उस सीमेंट कंक्रीट के जो ब्रिज वगैरह होते हैं उनकी जानकारी देता है। IRC22 आपको कंपोजिट स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, जबकि IRC78 फाउंडेशन डिजाइन जो होती है आपके जो कलवर्ट वगैरह होते हैं, ब्रिज वगैरह होते हैं उनकी जानकारी देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा गला थोड़ा खराब है, सॉरी। देखिए ब्रिज जो होता है, ब्रिज को जनरली हम अरेंज करते हैं, जनरली हम बनाते हैं ताकि आपके कोई भी ऑब्स्टेकल है, कोई रिवर वगैरह है, कोई वैली वगैरह, उसके ऊपर से आप प्रॉपर वे में आपका ट्रैफिक फ्लो हो सके। अब यहाँ क्या होता है, रेलवे वगैरह में, रोडवे वगैरह में, फुटपाथ वगैरह के लिए आप क्या कहें, जनरली आप ब्रिज वगैरह बनाते हैं। तो ये नॉर्मल एक बेसिक ब्रिज हो गया। अब इस ब्रिज में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनके टाइप वगैरह से रिलेटेड और इनके कंपोनेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इमेज है आपके लिए, इसको ध्यान से समझिए। हर ब्रिज में कुछ ना कुछ कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, उन कंपोनेंट को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि ये सामने एक ब्रिज है, बस इसको देख लिया आपने, अब आइए आगे दोबारा इसी पर आएंगे, लेकिन उससे पहले समझो कि किसी भी ब्रिज को बेसिकली हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, समझ गए क्या, तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और ये तीन पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो सब स्ट्रक्चर होता है, एक सुपर स्ट्रक्चर होता है और एक एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स होता है। सब स्ट्रक्चर जो होता है, उस सब स्ट्रक्चर में आपके जो बियरिंग लेवल होता है, उस बियरिंग लेवल तक, अप टू द बियरिंग लेवल, जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ये क्या है, सब स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर, एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर, नन ऑफ द अबो। जैसे कि आपसे पूछ लिया एबटमेंट के बारे में, पियर वगैरह के बारे में, विंग वॉल वगैरह, फाउंडेशन वगैरह, तो ये सभी क्या होते हैं, ये आपके किस में आते हैं, ये आते हैं आपके सब स्ट्रक्चर में। किस में आते हैं, सब स्ट्रक्चर में आते हैं। इसके अलावा सुपर स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं, कंपोनेंट अबो द लेवल ऑफ बियरिंग, जो बियरिंग का जो लेवल है, उस बियरिंग के लेवल से ऊपर जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सभी के सभी कंपोनेंट किस में आते हैं, सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं। अब ये सुपर स्ट्रक्चर जितने भी हैं, इन सुपर स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके गर्डर वगैरह है, बीम है, आर्चेज है, केबल है, पैरापेट वॉल है, फ्लोरिंग है, ये सभी आते हैं। इसके अलावा एक होता है एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर, जो कि इनको जोड़ने के काम आता है, ठीक है ना, जो कि इनके कंपोनेंट होते हैं, जो कि इनके जोड़ने के काम आता है, गार्ड स्टोन वगैरह होता है, बियरिंग वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आप
रिवर ट्रेनिंग वर्क वगैरह होते हैं, एप्रोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सभी उसी का हिस्सा है, ठीक है। तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की, जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किस किस बेसिस पर होता है, कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू स्पान, स्पान के बेसिस पर आपके जो ब्रिज होते हैं वो कलवर्ट होते हैं, माइनर ब्रिज होते हैं, मेजर ब्रिज होते हैं और लॉन्ग स्पान ब्रिज होते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द मेसनरी, जो मेसनरी अगर आपने बनाई उस मेसनरी के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके टिम्बर होते हैं, ठीक है, आपके मेसनरी टाइप का होता है, किस तरह की मेसनरी आपने प्रोवाइड की है, आयरन एंड स्टील होता है और प्रीस्ट्रेस होता है। ये इसके क्या है, बेसिक आपके क्या है, एग्जांपल्स हैं। देन हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोडिंग, लोडिंग के बेसिस पर आपके क्लास ए तरह का आपका एक अकॉर्डिंग टू लोडिंग क्लास ए ब्रिज होता है, आपके क्लास बी डबल ए ब्रिज होता है, 70R लोडिंग ब्रिज होता है, इसके अलावा क्लास बी ब्रिज भी होता है। ये सभी क्या है, ब्रिज के टाइप है। इनमें ये ध्यान रखना कि जो आपके परमानेंट जो ब्रिज होते हैं, जनरली ये परमानेंट ब्रिज के लिए काम में लिया जाता है, क्लास ए और 70R, अगर कभी पूछ ले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देन हम बात कर लेते हैं ब्रिज और कलवर्ट के बारे में। सबसे पहले कि ब्रिज और कलवर्ट में बेसिकली क्या डिफरेंस है, क्या सिस्टम है, क्योंकि ये चीज कई बार क्या है, परेशान करती है बच्चों को। देखो ब्रिज जो होता है वो ब्रिज कब प्रोवाइड किया जाता है, ब्रिज प्रोवाइड किया जाता है जब आपकी स्पान 6 मीटर से लेकर 120 मीटर तक होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं, ठीक है। कि ये आपके यहाँ पर रिवर हो सकती है या वैली हो सकती है, कुछ भी, उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, ब्रिज प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा एक होता है आपका कलवर्ट। कलवर्ट क्या होता है, कलवर्ट बेसिकली क्या होता है, जो आपका ग्राउंड फ्लोर वगैरह जो आपने बनाए हुए फ्लोर वगैरह उनके अंदर की तरफ प्रोवाइड करते हैं और जो बाइक गाड़ियां वगैरह जो ट्रैफिक है वो उसके ऊपर से निकल जाता है। तो ये क्या है, उसका ये सेक्शन है। जनरली जैसे आप टनल समझ सकते हो, एक छोटी सी टनल जिसका स्पान कितना है, 6 मीटर तक है, मतलब बहुत छोटा स्पान, 6 मीटर तक के स्पान जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कलवर्ट कहते हैं। समझ गए, इस बात को ध्यान रखना। देन इसके बारे में बात करते हैं लोडिंग ऑन ब्रिज एज पर IRC 6/2010। क्या IRC 6/2010 के हिसाब से कौन कौन से लोड हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं आपके ब्रिज में, ठीक है। अगर ब्रिज में कंसिडरेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपके डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, विंड लोड, अर्थक्विक लोड, अर्थ प्रेशर लोड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वाटर करंट वगैरह जो है, जितना वाटर वहां से चल रहा है उसके बारे में, इंपैक्ट लोड, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स और स्नो लोड, ये सभी के सभी 10 लोड हैं। ये आपके क्या किए जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं जब भी आप डिजाइन करते हैं। देन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट अभी का जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसमें यह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने रेलवे जो है, रेलवे में ब्रिज का क्लासिफिकेशन किया, तो रेलवे में कौन से ब्रिज को क्या कहेंगे। जैसे रेलवे में मेजर ब्रिज कब कहते हैं, रेलवे में मेजर ब्रिज तब कहा जाता है जब आपका टोटल वाटरवे है वो 18 मीटर से ज्यादा का हो, या फिर जो स्पान बनाया आपने जो ब्रिज बनाया है उस ब्रिज का जो क्लियर स्पान है वो 12 मीटर या इससे क्या हो, ज्यादा हो। अगर आपके माइनर ब्रिज की हम बात करते हैं तो यहाँ 18 मीटर से कम आपका क्या होता है, वाटरवे होता है, टोटल वाटरवे, लेकिन क्लियर स्पान जो होता है आपका वो कितना होता है, वो लगभग 12 मीटर तक का होता है, 12 मीटर से कम होता है। एक होते हैं इंपॉर्टेंट ब्रिजेस जो इनके इंटरमीडिएट में काउंट किए जाते हैं, जिनका टोटल मेजर जो आपने प्रोवाइड किया है मेजर ब्रिज के रूप में, वहां पर टोटल वाटरवे 18 मीटर हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन वहां पर जो सरफेस है वो 110 मीटर स्क्वायर क्या होता है, ज्यादा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेटा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन पूछा गया है अभी, उसमें भी पूछा था, अभी एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था कि भाई कलवर्ट जो होते हैं कलवर्ट का स्पान क्या कितना होता है, तो कलवर्ट का स्पान 6 मीटर से क्या होता है, कम होता है, 6 मीटर से कम रखा जाता है कलवर्ट का स्पान। माइनर जो ब्रिज होते हैं उनका 6 मीटर से लेकर 30 मीटर रखा जाता है, मेजर ब्रिज जो होते हैं उसमें 30 मीटर से लेकर के 120 मीटर तक का स्पान रखा जाता है। लॉन्ग स्पान ब्रिज की बात करें तो इनका स्पान 120 मीटर से भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ये आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्रॉस ड्रेनेज जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं उनका पर्पज क्या होता है, किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, गला जो है वो चौक हो रहा है, गले में थोड़ी गड़बड़ है ना सॉरी बाकी जो बाकी का जो ड्राइंग वाला सब्जेक्ट है, प्लानिंग वाला है, तो वो भी मैं करवा दूंगा, है ना, तो उसकी भी टेंशन मत लेना। चलिए, जो क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, कलवर्ट और माइनर ब्रिज वगैरह जो बनाए जाते हैं, जो लीनियर आपके स्ट्रक्चर्स वगैरह वाटरवे प्रोवाइड किया जाता है, उसमें 30 मीटर तक का आपके क्या करते हो, आप क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बना सकते हो। मेजर ब्रिज होते हैं लीनियर जिनमें वाटरवे होता है ना, उसमें आपके लगभग 30 मीटर को हटा करके स्टेबल जो रिवर वगैरह जो होती हैं वहाँ वो प्रोवाइड करते हो आप। इंपॉर्टेंट जो ब्रिज होते हैं, जो तीसरा मैंने बताया था, उनमें लीनियर वाटरवे अगर जो है एक्सक्लूडिंग 30 मीटर अगर हम हटा देते हैं इसको, तो मेजर जो रिवर वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं उन पर प्रोबेबिलिटी होती है कि प्रॉब्लम जो है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और वहाँ पर क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं।
इसके अलावा अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि आप किसी भी क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे बनाते हो, कैसे पता चलता है, समझ गए क्या? और देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस की अगर हम बात करते हैं तो इसको IRC 27 1971 में में ये बताया गया है। ये कोड है पर्टिकुलर IRC का, IRC 7, जिसमें हमें इसकी जानकारी मिलती है। वहाँ पर क्या करते हैं, वो फ्रैक्शन में, नंबर ऑफ फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे A अपॉन B, उन्होंने बोल दिया कि A अपॉन B टाइप का क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 9/4, एक मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर 9/4, अगर कहीं पर 9/4 क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता क्या होता है कि अगर कहीं 9 लिखा हुआ है या फिर A लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है किलोमीटर इन विच द स्ट्रक्चर सिचुएटेड, मतलब कितने किलोमीटर में आपने वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। ठीक है, 9 किलोमीटर में आपने प्रोवाइड कर दिया। बी बताता है किलोमीटर वाइज सीरियल के बारे में कि आपके, जैसे कि मैंने लिख दिया 9/4, तो अगर 4 लिखा है या 5 लिखा है तो बताएगा आपका ये कितने नंबर का क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर है 9th किलोमीटर में, दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है, चौथे नंबर का है, तो 4th क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 9/4। तो ये भी आपको बताओ, अगर एग्जांपल पूछ ले तो ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा प्रिलिमिनरी और फाइनल प्रोजेक्ट जब रिपोर्ट बनाई जाती है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, स्केलिंग वगैरह का, तो वो भी पता होना चाहिए कि जब सबसे पहले जब कैचमेंट एरिया का मैप बनाया जाता है, कितना कैचमेंट एरिया कहाँ से कितना आपका कैच कर रहा है, पूरा का पूरा कवर कर रहा है, तो वहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है, सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसकी जो मैनुअल है उसके हिसाब से किया जाता है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, मैप वगैरह कैसा है। और जब स्केल वगैरह देखी जाती है, मैप बनाया जाता है, तो 1/50,000 स्केल रखी जाती है, ये डेटा पूछ लिया जाता है, पता होना चाहिए। ठीक है, जितने भी आसपास के वाटर कंट्रीब्यूटिंग जितने भी डिस्ट्रीब्यूटरी है उनको भी कंसीडर किया जाता है। देन बात करते हैं कंटूर प्लान के बारे में। जो कंटूर प्लान होता है बेसिकली IRC 27 जो है, उस IRC 27 में इसके बारे, IRC 7 मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था क्रॉस ड्रेनेज के बारे में, सबके बारे में, तो ऐसे ही 2-3 IRC और भी हैं जो कि स्पेसिफिकली किसके लिए, ब्रिज के लिए वर्क करते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में डिटेल दी थी, तो इन सभी कोड वगैरह में कुछ स्पेसिफिक डिटेल दी हुई है, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप कैचमेंट एरिया की बात करते हैं, प्लान एरिया की बात करते हैं, कि आपका डिस्टेंस जो आपको चाहिए है ना, प्लान एरिया की डिस्टेंस आपको चाहिए ईच साइड के लिए, हर आइदर साइड के लिए जो भी आपने कैचमेंट वगैरह बनाया है या जो ब्रिज बनाया है, कितने कितने आपको साइड मैप आपको रेडी करना होता है किसी भी चीज के लिए। देखिए ध्यान से, अगर आपने क्या किया है कि 3 किलोमीटर स्क्वायर का, अगर आपका कहां पर है 3 किलोमीटर स्क्वायर का आपका पर्टिकुलर एरिया है जहां पर आप कैचमेंट एरिया कंसीडर कर रहे हैं, तो कम से कम 100 मीटर तक आपको साइट जो है साइट एरिया आपको प्रोवाइड करना होगा दोनों साइट में। अगर 15 किलोमीटर स्क्वायर का तो 300 मीटर, अगर 15 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो आपको 1500 मीटर का आपको साइड डिस्टेंस लेकर चलना पड़ेगा। इसके अलावा क्रॉस सेक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं, किस तरह का क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, तो हॉरिजॉन्टल स्केल में क्रॉस सेक्शन जो प्रोवाइड किया जाता है उसकी स्केल 1/1000 होती है, वर्टिकल स्केल जो होती है क्रॉस सेक्शन की 1/1000 कितनी होती है, 100 होती है। इंडेक्स ऑफ मैप की बात करते हैं तो स्मॉल रिवर के लिए 1/50,000 प्रोवाइड किया जाता है, लार्ज रिवर के 1/25,000 प्रोवाइड किया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो होता है, लंबाई के सेक्शन, लेंथ वाइज जो सेक्शन कट किया जाता है उसमें जो स्केल होती है हॉरिजॉन्टल वो लेस देन 1/2500 होती है, जबकि वर्टिकल स्केल 1/1000 से कम या उसके बराबर रखी जा सकती है। जो सोइल की प्रोफाइल होती है, जिस सोइल पर आप कलवर्ट या ब्रिज वगैरह आप बना रहे हो, उस सोइल की जो वहाँ का किस तरह से वर्क किया जाएगा उसके बारे में भी कहा जाता है कि सोइल की प्रोफाइल जब बनाई जाती है तो वहाँ पर सिंपल सोइल का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, किसके लिए, माइनर ब्रिज के लिए और कलवर्ट के लिए, जबकि जो मेजर ब्रिज होते हैं उनकी जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वहाँ पर अप टू इक्वल जो डेप्थ आपने दे रखी है वो डेप्थ से लेकर के 1.5 टाइम्स ऑफ द फाउंडेशन जो प्रोवाइड किया है वहाँ तक की आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, कहाँ कैसी सोइल है, कैपेसिटी कैसी है और किस तरह से ये बियर कर सकती है लोड को, नहीं कर सकती, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे रोल प्ले करता है ब्रिज वगैरह के लिए, कि ट्रैफिक की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं ब्रिज के लिए। सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो होता है अलाइनमेंट का। अगर स्मॉल ब्रिज आपने प्रोवाइड किए हुए हैं तो आपका स्मॉल स्क्यू एंगल जो ब्रिज है वो अडॉप्ट किया जाता है, अगर लॉन्ग ब्रिज है तो वहां पर क्या किया जाता है, स्क्वायर क्रॉसिंग विद सूटेबल अप्रोचेज जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल जो वर्ड्स होती है, सेंट्रल वर्ड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए, जो आपके दो डायरेक्शन का ट्रैफिक है उसको सेपरेट करने के लिए सेंट्रल वर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये कम से कम आपके 1200 mm से क्या होना चाहिए, कम से कम आपको प्रोवाइड करने हैं, कम होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम 1200 होता है उससे कम ही आपको प्रोवाइड करना है। फुटपाथ वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो पेडेस्ट्रियन है, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, वो भी वहां पर चल सकें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रोड की विड्थ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको याद रखना है, ये वैल्यूज के बारे में कोड में दी हुई डायरेक्टली वैल्यू। अगर मान लीजिए व्हीकुलर ट्रैफिक की अगर हम बात करते हैं तो सिंगल लेन है तो वहां पर मिनिमम विड्थ जो है सेंटीमीटर में 425 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 2 लेन है तो 750 सेंटीमीटर, और मल्टी लेन है तो हर लेन के लिए 2 लेन के बाद में आपके 350 सेंटीमीटर आपको विड्थ जो है वो प्रोवाइड करने
करनी होगी। साइकिल्स की अगर हम बात करते हैं तो विदाउट ओवरटेकिंग की अगर हम बात करते हैं तो 200 सेंटीमीटर और अगर विद ओवरटेकिंग की बात करते हैं तो 300 सेंटीमीटर आपको विड्थ प्रोवाइड करनी ही करनी होगी। इसके अलावा रोडवे की जो विड्थ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, किस से हम बता सकते हैं कि हाँ रोड की जो विड्थ है इन इन चीजों पर डिपेंड करती है। तो उसमें पहला होता है व्हीकल्स, तो व्हीकल्स अगर है 1000 व्हीकल पर आवर जो है लेन से अगर निकल रहे हैं तो जो विड्थ प्रोवाइड करनी है आपको आईआरसी के अकॉर्डिंग वो करनी है 3750 एमएम या 350 सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर साइकिल्स हैं 3600 साइकिल पर आवर अगर निकल रही है वहां से टू लेन से तो कम से कम 2000 एमएम आपको प्रोवाइड या 200 सेंटीमीटर आपको प्रोवाइड करनी होगी। कर्व जो है वो सेफ्टी के लिए कर्व प्रोवाइड किए जाते हैं। रोड आपने देखी रोड की साइड में क्या होते हैं, कर्व होते हैं, जिन कर्व पर आप क्या है ऊपर अगर आप जैसे रोड पर चल रहे हैं तो सेफ्टी पर्पज से कर्व प्रोवाइड किया जाए, जिनके ऊपर क्या होता है पेडेस्ट्रियन के लिए आपके क्या बनाई जाती है पेडेस्ट्रियन की रेलिंग वगैरह भी लगाई जाती है कई जगह पर, लेकिन जनरली क्या करते हैं कर्व वगैरह प्रोवाइड करते हैं। कर्व जो होते हैं रोड के आइदर साइड में कर्व प्रोवाइड किए, जनरल साइज होती है वो 600 एमएम इंटू 225 एमएम जो है वो प्रोवाइड की जाती है। साइड डिस्टेंस जो है इसके बारे में भी पता होना चाहिए, डायरेक्टली कोड में लिखा गया है कि भाई साइड डिस्टेंस जो है वो विलेज रोड अगर आपने कहीं बनाई है तो डिजाइन स्पीड जो है 150 kmph है तो लेंथ आपको 160 मीटर आपको प्रोवाइड करनी होगी। अगर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है तो वहां पर डिजाइन स्पीड 165 kmph होती है और लेंथ जो होती है 180 मीटर होती है। एमडीआर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करते हैं तो 180 kmph इसकी डिजाइन स्पीड होती है और 110 मीटर तक इसको प्रोवाइड करते हैं। नेशनल एंड स्टेट हाईवे के लिए 100 kmph आपकी स्पीड होती है डिजाइन स्पीड और 150 मीटर तक क्या करते हैं साइड डिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी आपको क्या चाहिए पता होना चाहिए। देन हम बात करते हैं लेंथ और ब्रिज के बारे में, लेंथ और जो ब्रिजेस वगैरह जो होते हैं उनकी डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं कि कितने लेंथ आप प्रोवाइड करनी है ब्रिज की, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, जैसे जनरल से एक फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस बिटवीन इनर फेज ऑफ टू एबटमेंट जो है आपका जो लेंथ होती है एल उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये कैपिटल एल है ये डिपेंड करती है एन स्मॉल मल्टीप्लाई स्मॉल एल एन माइनस वन मल्टीप्लाई बी। अब यहां पर समझना कि ये एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ स्पान, कितने स्पान आपने प्रोवाइड किए हैं, एल बताता है क्लियर स्पान को, एन माइनस वन बताता है कि जितने नंबर ऑफ पायर आपने बनाए हैं उनमें से क्या करना है आपको जो स्पान बना रखे हैं उनमें से कम करना है, यानी कि किसको बताता है ये पूरा का पूरा सिस्टम, यानी ये चीज हमें रिप्रेजेंट कर रही है पायर्स को कितने पायर्स आपने प्रोवाइड किए हुए हैं। बी जो है बी बताता है आपके विड्थ कितनी है आपके पायर्स की, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं क्लियर डिस्टेंस उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाए। अब आता है एक और डेटा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस डेटा में आपसे बताया जाता है कि आपके कितने समय के लिए कौन कौन सी चीजें डिजाइन करनी है। जैसे ब्रिज अगर डिजाइन करना है तो जब ब्रिज डिजाइन किया जाता है फॉर डिजाइन फ्लड के लिए, डिजाइन फ्लड अगर चल रहा है वहां पर फ्लड वगैरह का केस है तो 100 ईयर के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। कलवर्ट जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो 20 साल के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपके कहीं स्लैब डेक वगैरह प्रोवाइड किए शॉर्ट स्पान के लिए तो उनके केस में ये चेक करना होता है आपने किस तरह का स्लैब वगैरह प्रोवाइड किया, किस तरह का बीम है। अगर टी बीम होता है स्लैब डेक प्रोवाइड किया है मीडियम स्पान है 10 से लेकर के 20 मीटर तक का तो आप इसे प्रोवाइड कर सकते हो। प्रो स्ट्रिंग गर्डर टाइप जो होता है वो कब प्रोवाइड करते हो, आप तब प्रोवाइड करते हो जब आपका रोड ब्रिज हो और इसका स्पान जो है 25 से लेकर के 35 मीटर तक क्या कर रहा हो वेरी कर रहा हो। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये ध्यान रखना कि अगर ये चीज हमें मिलती है तो हम ये कह सकते हैं कि इनको इतने समय के लिए डिजाइन किया जाता है और जो शॉर्ट स्पान के जो डेक वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी ये सिस्टम जो होता है इस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ चलते हैं जो है आपका कलवर्ट एंड कलवर्ट के बारे में बात करते हैं। कॉजवेज जो होते हैं कलवर्ट वगैरह प्रोवाइड किया, मैंने इनिशियल फेज में आपको कलवर्ट बताया था कलवर्ट किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। कलवर्ट जो होते हैं बेसिकली वो तब आते हैं, मैं ज्यादा जल्दी चल रहा हूं क्या, स्पीड कम करनी है क्या, स्पीड कम करनी है क्या, स्पीड कम करनी है क्या, एक बार बताइए। और गेट मास्टर RSMSSB के लिए मैं है ना इस क्लास के बाद लाइव आऊंगा है ना, तो अभी मैं पढ़ा लेता हूं फिर बात करेंगे उसके बारे में। देखो एक्चुअल में क्या है कि जो समय है ना टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो तो PDF भी दूंगा, तो PDF भी एक बार आप पढ़ना तो शायद समझ में आ जाएगा ना, बाकी मैं थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ। ओके थोड़ा सा मैं स्लो कर लेता हूँ ठीक है। और जो नोट ये जो PDF है ये टेलीग्राम और आपका जो ग्रुप है उस पर भी मैं शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो। चलिए आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। देखो कलवर्ट जो प्रोवाइड किए जाते हैं, कलवर्ट वगैरह या वाटरवेज की अगर हम बात करते हैं, तो ये अज्यूम किया जाता है, ये अजम्पशन लिया जाता है, जनरल प्रिंसिपल ये है कि अज्यूम शुड बी फ्लोइंग हाफ हाफ फुल व्हेन अप्रोच चैनल वाइड एंड नैरो। जब आपके वाइड और नैरो अगर आपके प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ पर क्या है, ये हाफ हाफ जो इसकी आपने डेप्थ प्रोवाइड की उसके हाफ तक ये क्या करेगा, फ्लो करेगा। इसके अलावा जो एडिक्वेट आपके जो जो आपने कलवर्ट वगैरह बनाया तो उसके जो साइड जो होती है, साइड में क्या है, कुशन प्रोवाइड किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि ये ग्राउंड लेवल है और वहाँ पर आपने क्या है, इस तरह से आपने देखा था अभी कि यहाँ पर क्या है, ये वाला जो हिस्सा हैच किया है मैंने, यहाँ पर कलवर्ट प्रोवाइड किया था। तो ये जो साइड होती है, यहाँ पर साइड क्या है, साइड में यहाँ क्या है, ये जो सोइल वगैरह जो प्रोवाइड की जाती है या सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हो, ये क्या होता है, बेसिकली ये कुशन कहलाता है। तो एडिक्वेट कुशन जो है वो प्रोवाइड करना ही करना होता है कलवर्ट के केस में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी जो होती है, इसमें से वेलोसिटी वो कितनी होती है, वो वेलोसिटी लिमिटेड होती है 150 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है, इतनी वेलोसिटी आपके होनी चाहिए, ठीक है ना, लिमिटेड वेलोसिटी होती है। और इसके इससे रिलेवेंट क्या है, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जब हम कलवर्ट वगैरह की जब हम बात करते हैं कलवर्ट वगैरह में, तो यहाँ पर क्या होता है कि एरिया देखना होता है वाटरवे का, कि वाटरवे का जो एरिया है वो वाटरवे का एरिया कितना है, ठीक है। तो वाटरवे के एरिया की अगर हम बात करते हैं, अगर आपका कहीं कैचमेंट एरिया है वो 40 हेक्टेयर तक है, कितना, 40 हेक्टेयर तक, तो उस केस में क्या करना होता है, हमें एरिया ऑफ वाटर वे कैलकुलेट करना, ये है ना, ये बेसिकली ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ वाटर वे को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कैचमेंट एरिया को। तो अगर आपका कैचमेंट एरिया 40 हेक्टेयर तक है, तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज किया जाता है आपके एरिया ऑफ वाटर वे के लिए। और ये कहां सूटेबल होता है, ये सूटेबल तब होता है जब आपकी वेलोसिटी 3000 mm पर सेकंड तक होती है, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मूला है 0.029c, ये बेसिकली आपके नॉर्थन गुजरात वाला जो एरिया है वहाँ पर यूज किया जाता है, जहाँ पर 1500 mm पर सेकंड तक वेलोसिटी होती है। और एक फॉर्मूला जो फर्स्ट केस वो हमारा 40 हेक्टेयर तक ही, दो केस होते हैं। फिर के अलावा दूसरी कंडीशन आती है जब आपका एरिया जो है 40 हेक्टेयर से ज़्यादा हो और 280 हेक्टेयर तक हो, तो उसके केस में ये फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली यूज़ किया जाता है। तो और ये सूटेबल जो है, सूटेबिलिटी के हिसाब से भी पूछ लेते हैं कि सूटेबल कहाँ, तो जो ऊपर मैंने कंडीशन बताई उन्हीं के लिए होता है। इसके अलावा दूसरा एक और फॉर्मूला होता है जिसमें आपके ये सूटेबल कहाँ होगा, ये सूटेबल होगा इस केस के लिए, मतलब ये फर्स्ट केस है, ए केस है, ये आपका बी केस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ 0.05c प्लस 1.63 कहाँ यूज किया जाएगा, तब यूज किया जाएगा जब आपकी ये कंडीशन डेवलप हो रही है। तो पहला पहले के लिए और दूसरा दूसरे के लिए जनरली हम यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कलवर्ट जो होते हैं, कलवर्ट के टाइप के बारे में भी बात कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चंस वगैरह है ना, इनके मैं क्वेश्चंस भी करवा दूंगा थोड़े बहुत, जिससे आपको आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसमें ना डेटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन टाइप ऑफ कलवर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, देखो जैसे कि बॉक्स कलवर्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो बॉक्स कलवर्ट जो है, वो बॉक्स कलवर्ट प्रोवाइड जब किया जाता है तो इसका स्पान क्या हो सकता है। तो देखिए आर्च कलवर्ट की अगर हम बात करते हैं, तो आर्च कलवर्ट जो है 2 मीटर से लेकर के 6 मीटर स्पान तक प्रोवाइड करते हैं हम जनरली। अगर हम बात करते हैं बॉक्स कलवर्ट की, तो इसकी जो हाइट होती है वो 3 मीटर तक हो सकती है ना, 3 मीटर से ज़्यादा बहुत कम होता है, कि जिससे ज़्यादा हाइट, नॉर्मल हाइट कितनी होती है, 3 मीटर तक होती है। इंडिविजुअल स्पान की अगर हम बात करते हैं रेंजिंग की, तो 1 से लेकर के 4 मीटर तक इसका इंडिविजुअल स्पान होता है। 6 मीटर से ज़्यादा अगर चला जाता है, तो इसकी थिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा आपको प्रोवाइड करनी होती है, तो उस केस में ये क्या हो जाता है, अनइकोनॉमिकल होता है, अच्छा नहीं है। पाइप कलवर्ट की अगर हम बात करते हैं, तो पाइप कलवर्ट के केस में डायमीटर जो होता है वो आपका 300 mm से क्या होना चाहिए, कम या उसके बराबर होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं लो डिस्चार्ज, तो लो डिस्चार्ज केस में इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ पाइप की, तो वो सूटेबल जो पाइप की कॉस्ट वगैरह जो होती है, कब तक सूटेबल होती है, जब आपका 750 mm तक उसकी लेंथ प्रोवाइड करनी है आपको, है ना, उसकी जो साइज दे रखी है। RCC की जो पाइप है वो सूटेबल होते हैं अगर 1800 mm तक का आपने डायमीटर प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये अगर डाया दिया हुआ है, ये डाया दिया हुआ है, डाया के हिसाब से स्पेसिफिकेशन कब आप जो है कौन सा डाया प्रोवाइड कर सकते हो, कौन सा आप पाइप प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा एक होता है स्लैब कलवर्ट। जो स्लैब कलवर्ट होता है, सिंपल स्लैब कलवर्ट जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है 2.5 मीटर तक। अगर आपके कहीं लंबा स्पान है, बड़ा है, तो डेक स्लैब जो है, वो डेक टाइप स्लैब जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जो कि 8 मीटर तक हो सकती है। तो ये भी ध्यान रखना कि सिंपल अगर 2.5 मीटर तक का है, तब तो हम सिंपल स्लैब प्रोवाइड करें, वरना डेक स्लैब जो है, डेक टाइप की स्लैब जो है, वो हमें प्रोवाइड करनी होगी। समझ गए। देन हम बात करते हैं आपसे ब्रिज लोडिंग के लिए, काफ़ी ये भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। देखो माना आप पहली बार सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपको डेटा इतना याद नहीं रहेगा,
लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत कम है। मतलब आप ये सोचिए, आपको एक सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट एक डेढ़ घंटे के अंदर मैं करवा रहा हूँ, तो एक डेढ़ घंटा कोई ज़्यादा नहीं है। आप एक घंटे का कोई सब्जेक्ट का मैंने वीडियो बनाया है, तो एग्जाम तक आप उसे अगर 3 बार भी देख लेते तो उस वीडियो को, है ना, 3 बार देख लीजिए आप, दो दो तीन दिन के गैप पे, और जो मैं PDF दे रहा हूँ उसे आप पढ़ लेंगे ना, तो कभी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप एलिमिनेट करके ही कर लेंगे, अगर याद भी नहीं कर पाएंगे तो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इससे रिलेवेंट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, है ना, क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको। और UP SSSC JEE के लिए भी क्लासेस अरेंज करने का सोच रहे हैं अनीश कुमार पांडे जी, इस मंथ के एंड में हो सकता है कि हम क्लासेस स्टार्ट करें। अच्छा, ब्रिज लोडिंग की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो लोडिंग स्टैंडर्ड जो है, जो कि आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो किया जाता है IRC 6 के अकॉर्डिंग। अब क्या होता है, इंडियन रोड कांग्रेस आई थी 1958 में, उसकी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई हैं। अगर हम बात करें IRC ब्रिज लोडिंग की, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि आपके IRC Class AA लोडिंग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जनरली ये हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इम्पैक्ट फैक्टर की अगर हम बात करें, जो कि इम्पैक्ट फैक्टर हमें यूज़ करना होता है, तो इम्पैक्ट फैक्टर में क्या होता है, ये इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होती है। जैसे रोड ब्रिज के लिए अलग अलग होगी, है ना, और रोड ब्रिज में भी फिर आपके क्या केस बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके अगर कहीं पर लिखा हुआ है इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से कितना दिया हुआ है, तो इंडियन रोड कांग्रेस ने फॉर Class A and Class B लोडिंग के लिए कितना दिया हुआ है, इनके लिए इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला I = A / B + L, जहां पर L क्या बताता है, L लेंथ को बताता है, और A क्या है, वहां पर A कांस्टेंट है, और A की वैल्यू क्या हो सकती है, RCC ब्रिज के लिए A की वैल्यू 4.5 मीटर होती, 4.5 होती है, कांस्टेंट है ना, मीटर वगैरह कुछ नहीं है। स्टील ब्रिज है तो इसके लिए वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। बी जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आरसीसी ब्रिज में 6 होती है, जबकि स्टील ब्रिज में 13 कितनी होती है, 5 होती है। अगर हम बात करते हैं स्पान लेस देन 3 मीटर अगर हुआ, तो आई की वैल्यू हम डायरेक्टली 0.5 ले लेते हैं, किसके लिए, आरसीसी ब्रिज के लिए, और अगर स्टील ब्रिज है तो उसके लिए डायरेक्टली आई की वैल्यू 0.545 हम ले लेते हैं। अगर ये वैल्यू क्या हो जाती है, 45 मीटर ज्यादा होती है, तो आई की वैल्यू 0.088 लेते हैं आरसीसी के लिए, और ये अगर ब्रिज जो है, अगर ये ब्रिज किसका हो जाए, स्टील का हो जाएगा, तो इस केस में ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.154 हमें लेनी होती है। समझ गए। देन बात करते हैं सेकेंड क्लास के लिए, कि अगर यहाँ पर लोडिंग जो है AA लोडिंग या OO लोडिंग को क्या कहते हैं, टॉर लोडिंग भी बोलते हैं, TOR, और अगर ये TOR लोडिंग है और स्पान आपका 9 मीटर से कम है, तो उस केस में क्या होता है, पहला केस तो ये बन सकता है कि ट्रैक्ड व्हीकल है तो उसके लिए 25% आप प्रोवाइड करते हो, 25% ऑफ स्पान Up to 5 मीटर। अगर 5 मीटर से ज्यादा है तो उसके केस में आप रिड्यूस कर देते हो वैल्यूज को 10%, है ना, हर मीटर के लिए, अब कहां तक, 9 मीटर तक के लिए। इसके अलावा अगर आपके व्हीकल है ना, व्हील्ड व्हीकल है, पहिए लगे हुए हैं, तो 25% लेते हो आपने जो स्पान लिया है उसका। अगर आपके स्पान जो है 9 मीटर से ज्यादा हो जाता है और ट्रैक्ड व्हीकल है, तो उसके केस में आरसीसी ब्रिज के लिए 10% लेते हो Up to 40 मीटर, और अगर स्टील है तो उसके केस में 25% लेते हो आप Up to 23 मीटर। तो ये कोड का जो डेटा है, जितना भी हो सकता है उतना मैं आपको रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अब वो बात अलग है, आपको समझ में और याद रखने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, लेकिन जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं चीजें आपको सिंपल वे में बता दूंगा और 2-4 थ्योरी के शब्द बता दूंगा, हो सकता है आपको अच्छा लगे, लेकिन फिर बाद में क्वेश्चन आएगा तब आप परेशान हो सकते हैं। तो मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूं, सब कुछ बताना चाहता हूं। अब वो याद जितना रह जाएगा वो आप अपने हिसाब से डील कर लेना। आज तो जो है, आज तो लोडिंग, आज तो के हिसाब से आपका जो फॉर्मूला आता है वो आता है 50/L + 25, जहां L क्या होता है, स्पान होता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि डिकेन फॉर्मूला जो है वो डिस्चार्ज के लिए यूज किया जाता है, जहां पर इसका फॉर्मूला होता है C A की पावर 3/4, जहां पर आपके अगर हम बात करते हैं सी के, तो सी क्या होता है, सी कांस्टेंट होता है, ये सी कांस्टेंट है, और आपके अगर हम बात करते हैं ए की, तो ए क्या होता है, एरिया ऑफ कैचमेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये फॉर्मूला जो है नॉर्थ इंडिया में यूज किया जाता है। एक होता है रेव्स फॉर्मूला में आपकी वैल्यू आती है CA, और A की पावर क्या हो जाता है 22/3। ये साउथ इंडिया में यूज किया जाता है, जबकि आप महाराष्ट्र वगैरह रीजन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश फॉर्मूला होता है, जिसकी वैल्यू तो 123√A। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेकॉन्स फॉर्मूला जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो डेकॉन्स फॉर्मूला प्रोपोर्शनल होता है A की पावर 3/4। ये JEE वगैरह में, SSC वगैरह में पूछा हुआ है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आपसे नॉर्मली पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक होता है नायाब जंग बहादुर फॉर्मूला था, जो कि था 123.2√A + √A + 10.36। ये जबकि नॉर्थ और साउथ इंडिया में ये यूज किया जाता है। तो ये फॉर्मूलाज हैं किसके लिए, डिस्चार्ज के लिए, क्यू कैलकुलेट करने के लिए, डिस्चार्ज कितना है वहां से। इसके अलावा बात करते हैं बियरिंग की, बियरिंग क्या होती है, किस तरह से बियरिंग प्रोवाइड करते हैं। पहले मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। शॉर्ट और क्विक रिवीजन में जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा जो है उतना मैं इंक्लूड करके चल रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की भी मैं अरेंज कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ अभी, PDF टाइप की है।
इसके अलावा आपके क्वेश्चन भी टाइप कर रहा हूँ मैं साथ साथ में पहले, तो जैसे क्वेश्चन टाइप हो जाएंगे तो मैं क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। आप बस वीडियो वगैरह देखो, अच्छे से पढ़ो, और जो बाकी दोस्त हैं उन्हें भी आप इन्फॉर्म करते रहो, है ना। देखो बियरिंग जो है, आपको पता होगा बियरिंग क्या होती है, कि जैसे आपने ये आपका क्या है, ये आपका आपके पास में आपका सब कॉलम है, या फिर आप एबटमेंट या पायर कुछ भी कह लो, इसके ऊपर क्या होता है, जब लोडिंग का केस आता है तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है आपके इस पर्टिकुलर सेक्शन के थ्रू क्या होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोड को आगे की तरफ, नीचे अगर सपोर्टेड है तो सॉइल वगैरह में जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, एक डिवाइस लगानी होती है जो कि आपके जो सपोर्ट है, बियरिंग का जो सपोर्ट है उसके ऊपर आपको रखनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग तरह की बियरिंग होती है, यहाँ पर क्या प्रोवाइड करनी होती है, बियरिंग। अब ये किस किस तरह की बियरिंग हो सकती है, जिससे कि आपका सपोर्ट जो है वो सपोर्ट प्रॉपर वे में क्या है, अपना जो लोड आ रहा है उस लोड को प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, डिफ्लेक्ट ना हो, कोई भी सिंकिंग ना हो, कोई श्रिंकेज ना हो, है ना, क्रीप वगैरह ना आए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो टाइप ऑफ बियरिंग की अगर हम बात करते हैं, तो एक होता है आपका सीमेंट मोर्टार पैड। सीमेंट और मोर्टार का एक पैड है वो बना दिया जाता है, और इसको एबटमेंट या आपके जो सपोर्ट है उनके ऊपर रख दिया जाता है। ये आपका क्या होता है, पैड होता है एक सिंपल सा। इसको क्या है, फिक्स्ड बियरिंग फॉर, अगर हम रोड गर्डर ब्रिज की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर क्या है, स्मॉल जो स्पान होता है तो वहां पर ये फिक्स कर दिया जाता है इसको। 30 mm का थिक सीमेंट ग्राउट पैड बनाया जाता है, जिसका प्रोपोर्शन होता है 1:1। तो पूछ सकते हैं कि सीमेंट मोर्टार पैड जब बनाया जाता है उसकी थिकनेस क्या होती है, तो 30 mm थिकनेस होती है, प्रोपोर्शन होता है 1:1। इसमें डोवल वार वगैरह भी लगाई जाती हैं, जो कि 25 mm डायमीटर वगैरह की होती हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनल फोर्स आ रहा है और शेयर वगैरह आ रहा है उनमें क्या कर सके, ये विदस्टैंड हो सके, उन्हें आराम से कर सके, ठीक है। समझ गए क्या, चल रहा। अच्छा आप बात करते हैं एक्सपांशन बियरिंग की। एक्सपांशन जो बियरिंग होती है वो प्रोवाइड की जाती है, अगर आपके कहीं एक्सपांशन अगर हो रहा है और आपको लगता है कि यहाँ की सोइल वगैरह और यहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ पर एक्सपांशन हो सकता है, तो वहाँ पर एक्सपांशन बियरिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर आपके एंगुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों डायरेक्शन में क्या है, मूव कर सकता है आपका गर्डर। गर्डर मूवमेंट हो सकता है एक्सपांशन बियरिंग में। इसके अलावा आपका नकल बियरिंग भी प्रोवाइड की जाती है। ये प्रोवाइड तब की जाती है जब आपका सिर्फ और सिर्फ ओनली एंगुलर मूवमेंट हो। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए एंगुलर मूवमेंट के केस में कौन सी बियरिंग प्रोवाइड करता है, आप कहेंगे सर नकल बियरिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा रॉकर्स वगैरह जो है, रॉकर्स राउर बियरिंग प्रोवाइड की जाती है। रॉकर्स राउर बियरिंग तब रिकमेंड करते हैं जब आपका स्पान जो होता है वो 15 मीटर से क्या हो जाता है, 15 मीटर तक क्या, उससे क्या हो सकता है, उसके ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, ये जो है ये बियरिंग जो है ये बियरिंग क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। तो इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रॉक जो टाइप की अगर हम बात कर रहे हैं, और हाँ इसमें एक चीज़ और है कि 20 मीटर अगर तक ये वैल्यू होती है ना, 20 मीटर हो जाती है या 50 मीटर के से कम होती है, तो उसके इसमें इस चीज़ को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक रबर होता है ना, रबर, इसके बारे में रॉकर्स वगैरह की अगर हम सिर्फ रॉकर की बात अगर हम करते हैं, तो रॉकर बियरिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है जब आपका स्पान जो है वो 20 मीटर से ज़्यादा हो जाता है। 20 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा, 50 मीटर से क्या होगा, कम होगा, तो उस केस में हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं इस इंटरमीडिएट के लिए। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि ओनली फ्री एंगुलर मूवमेंट जो है मेन गर्डर का वो हो सकता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका कौन सा, रबर का, रबर बियरिंग। देखो रबर बियरिंग जो होती है इसमें सिंथेटिक रबर जो है लाइक नियोप्रिन वो क्या है, ये यूज़ की जाती है, जो सक्सेसफुली यूज़ की जाती है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग जो जूनियर इंजीनियर और ड्राफ्टमैन के एग्जाम है उनमें क्वेश्चन पूछा गया है कि रबर बियरिंग में जो आपकी जो रबर यूज की जाती है वो कौन सी आपकी क्या होती है, रबर होती है। तो ध्यान रखना वो आपके सिंथेटिक रबर होती है, जिसका नाम क्या होता है, नियोप्रिन होता है, ठीक है। ये नियोप्रिन जो है रबर पैड, रबर प्लेट जो है वो प्लेट जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि वो बियर कर सके प्रॉपर वे में। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल साइट ऑफ अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। जो रिवर वगैरह है वहां पर आपने क्या करना है, आपको ब्रिज वगैरह बनाना है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सबसे पहला ये है कि आपके स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट आपकी रिवर होनी चाहिए। अब स्ट्रेट रिवर से क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। देखो ये रिवर है, ये इस तरह से रिवर चल रही है, ठीक है, ये रिवर है, और आपसे कहा गया है कि आप ब्रिज बनाइए, और आपको जो ब्रिज बनाना है गांव है, यहां पर क्या है गांव है, यहां पर कोई गांव है या कोई सिटी है जहां पर आपको ब्रिज वगैरह प्रोवाइड करना है, या और एक गांव यहां पर है, ठीक है। अब आपसे ये कहा गया कि ये जो गांव है ये वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो आप क्या करते हो उस केस में, आपको क्या करना होगा कि आपने ये कहा कि यहाँ पर ब्रिज प्रोवाइड कीजिए, तो आप क्या करेंगे ब्रिज प्रोवाइड करने के केस में, आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आपने अगर ये ब्रिज प्रोवाइड किया इस तरह से, तो ये ब्रिज जो हो जाएगा ये आपके लिए क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा, ये सही नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि एक तो लेंथ आपको ज्यादा प्रोवाइड करनी होगी और दूसरा मेंडरिंग के केस में ये आपने जो यहाँ सपोर्ट प्रोवाइड किए होंगे एबटमेंट, ये मेंडरिंग की वजह से इन सपोर्ट को एक खा जाएगी रिवर आपके, ना धीरे धीरे कटाव होगा और मिट्टी इरोड होगी और ये सपोर्ट आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो फिर करते क्या है, तो हमें ऐसी लोकेशन ढूंढनी होती है जहां पर रिवर जो है ना, रिवर 90 डिग्री पर क्रॉस करे आपके किसको, ब्रिज को। मतलब ये अगर आपका ब्रिज है और ये आपकी रिवर है तो इनके बीच में ट्राई करना है 90 डिग्री एंगल बने, मतलब परपेंडिकुलर कट करे। तो यहां पर ये केस है जहां पर क्या है, ये परपेंडिकुलर हो सकता है, तो यहां पर आप ब्रिज प्रोवाइड करो, चाहे आपको पॉपुलेशन यहां ज्यादा हो, लोगों की यहां रिक्वायरमेंट हो, लेकिन हमें इस चीज में ये देखना है कि मेंडरिंग अगर कहीं रिवर की हो गई तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हमें क्या करना है, अक्रॉस हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है। इसके अलावा आपको ये चेक करना होता है कि आप जहां प्रोवाइड कर रहे हो वो स्टीडी रिवर हो, है ना, वहां पर जो करंट वगैरह है करंट वगैरह ना हो उस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। और जितना हो सके आपको नैरो चैनल प्रोवाइड करना होता है, हाई बैंक जो है सूटेबल हाई बैंक वो प्रोवाइड करने होते हैं। अब वो हाई फ्लड लेवल है ना ऑन ईच साइड, हाई फ्लड लेवल का मतलब क्या होता है कि बारिश के केस में या बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो हाई से हाई कितना पानी जा सकता है उसे हाई फ्लड लेवल कहा जाता है। इसके अलावा आपकी जो रॉक वगैरह या हार्ड सोइल वगैरह ऐसी चीजें अवेलेबल है वहां पर, ठीक है ना, आसपास, तो वो ऐसा तो नहीं वो इरोड होकर के आपके जो ब्रिज है उस ब्रिज को नुकसान वगैरह पहुंचा दें, ये चेक करना होता है। बाकी अगर आपके बेड लेवल पे, बेड में अगर आपके हार्ड स्टाटा है तो वो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन साइड में अगर कोई पहाड़ वगैरह है, जैसे आपने देखा भी होगा अभी हिमाचल में एक लैंडस्लाइड हो गई थी, वहां से एक बहुत बड़ा पत्थर आया वो ब्रिज पर आकर के गिरा और वो ब्रिज टूट गया था, है ना, कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको ध्यान रखना होता है। ऐसे आपको इकोनॉमिकल अप्रोचेस लेकर के चलनी होती है कि इकोनॉमिकल अप्रोचेस क्या हो सकती है, जिससे बेस्ट से बेस्ट कम से कम रुपए में आप अच्छा क्या बना सकते हैं, ब्रिज वगैरह बना सकते हैं, कि वहां पर कितनी फ्रिक्वेंट ड्रेनेज क्रॉस सेक्शन जो है वो आपने प्रोवाइड किए हैं, कितनी रिक्वायरमेंट थी, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा शार्प जो कर्व होते हैं, शार्प कर्व जो है उनकी एब्सेंस होती है, वो आपको प्रोवाइड नहीं करने होते हैं। इसके अलावा आपके एक्सपेंसिव रिवर ट्रेनिंग वर्क होता है उसको भी आपको एब्सेंट रखना होता है, उसको नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ में अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होता है उसे भी क्या करते हैं, आप अवॉइड करते हैं ऐसे केस में। इसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ब्रिज साइट की अगर हम बात करते हैं कि जो क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया कैसा क्या होना चाहिए, तो क्राइटेरिया के लिए मैं जनरली आपको डायरेक्ट पॉइंट पर लेकर चलता हूं। देखो क्राइटेरिया की अगर बात की जाती है तो क्राइटेरिया में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी टोपोग्राफी कैसी है वहाँ का, कैचमेंट एरिया कैसा है, हाइड्रोलॉजी कैसी है, जियोटेक्निकल आपके वहाँ पर डेटा कैसा है, सिस्मोलॉजी कैसी है, भूकंप आते हैं कि नहीं आते, भूकंप आते तो कितनी तीव्रता के भूकंप आते हैं, है ना, कितना इफेक्ट उनका होता है, नेविगेशन वगैरह है वहाँ पर प्रोवाइड करना है कि नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन के रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। मान लीजिए एक पॉइंट है, एक आपने साइट सेलेक्ट किया है फर्स्ट, एक साइट सेलेक्ट सेकंड है, यहाँ फर्स्ट पर क्या है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, रिसोर्सेज हैं, वो पहुँचाना बहुत मुश्किल है, जबकि यहाँ पर आसान है, तो आप प्रेफर करेंगे कि सेकंड साइट पर जो है ब्रिज बनाएं। इसके अलावा नियर बाई ब्रिज है या नहीं है ये देखना होता है, ट्रैफिक का डेटा कितना है, ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट वहां के हिसाब से है या नहीं है, तो ये सभी फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। इसके अलावा टोपोग्राफी के बारे में मैंने कहा था कि सर्वे ऑफ इंडिया जो है उनका जो मैप है उसके हिसाब से हम डील करते हैं, और टोपोग्राफी जो है वो सेलेक्ट की जाती है, वहां की टोपोग्राफी कैसी है, रिवर वगैरह कैसी है, और आपके अक्रॉस जो रिवर है वो आपको हमेशा क्या करना होता है, ट्राई करना होता है कि हम ब्रिज बनाएं। इसके अलावा कैचमेंट एरिया जो है, कैचमेंट एरिया कैसा है, सर्वे ऑफ इंडिया क्या गाइडलाइन देता है, और मेनली फ्लड का जो है, फ्लड का एनालिसिस किया जाता है कैचमेंट एरिया के बेसिस में। हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजी जो है वहां की हाइड्रोलॉजी कैसी है, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर जो है वो कैसे हैं, वहाँ का सरफेस का स्लोप कैसा है, फ्लड वेलोसिटी कितनी होती है, डिस्चार्ज कितना होता है रिवर में, हाई फ्लड लेवल जो वो कहाँ तक पहुँच जाता है, इन सभी फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं जब हाइड्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा जियोटेक्निकल जो है और सिस्मिक डाटा है उसका भी ध्यान रखा जाता है कि वहाँ की जियोलॉजी कैसी है ना, और जियोलॉजी के साथ साथ वहाँ की सोइल वगैरह कैसी, सोइल का बियरिंग कैपेसिटी कैसी है, क्या वहाँ पर भूकंप आते हैं कि नहीं आते हैं, अगर भूकंप आते हैं तो हमें सिस्मिक स्ट्रक्चर वहाँ पर डिजाइन करने होते हैं, हमें हाई कैपेसिटी की जो है मटेरियल वो हमें प्रोवाइड करने होते हैं, तो ये सभी फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा नेविगेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, अगर आपको जरूरत है, मेजर रिवर है, नेविगेशन है, तो नेविगेशन की स्ट्रक्चर भी आपको पैरेलल में बनानी होगी। कंस्ट्रक्शन के रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई स्किल्ड लेबर है वो स्किल लेबर वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, क्या स्किल लेबर को पहुंचा सकते हैं, बेचिंग प्लांट प्रोवाइड कर सकते हैं, इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप नदी पर बनाने के लिए ब्रिज गए और वहां पर आप लेबर को लेकर के चले गए, 100-150 लेबर वहां पर आपके साथ में गई, आप इंजीनियर हो, आप भी चले गए साइट इंजीनियर वर्ग के, और आप तो ड्राफ्टमैन हो, आपको तो पहले लेकर गए मैप बनवाने के लिए, अच्छा फिर उन्होंने ये कहा देखो भाई साहब आने के लिए ही रास्ता था और जाने के लिए नहीं है, तो ऐसा कोई बेवकूफ थोड़ी है कि जो काम करने चला जाएगा उस साइड पर, जिसको ये पता हो कि सिर्फ जा सकते हैं आ नहीं सकते हैं, ब्रिज बन जाएगा पूरा तभी फिर आना जाना होगा, ब्रिज नहीं बना तो मर जाएंगे, खाना पीना कहां से आएगा, तो आने जाने की लिए वहां पर प्रॉपर फैसिलिटी है या नहीं है, कंस्ट्रक्शन के रिसोर्सेज आ जा सकते हैं कि नहीं आ जा सकते हैं, प्लांट जो है बेचिंग प्लांट वहां पर होस्ट बन सकता है या आसपास बेचिंग प्लांट वहां से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सभी फैक्टर जो आपको ध्यान में रखने होते हैं।
इसके अलावा डिटेल्स और डिटेल की अगर हम बात करें कि अदर जो आपके रिवर वगैरह रहती है उसकी डिटेलिंग जो की जाती है, क्या डिटेल आपको बनानी चाहिए ब्रिज से रिलेटेड अक्रॉस रिवर का, क्या वहाँ की डिटेलिंग है, वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी डेप्थ तक आपके क्या है प्रोटेक्शन वर्क की आवश्यकता है नहीं है, आप विंग वॉल वगैरह बना रहे हैं वो विंग वॉल किस हिसाब से आपको बनानी है, ये सभी चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट पॉइंट होता है ट्रैफिक स्टडी, आपको क्या करना होता है वहाँ की ट्रैफिक जो है उसकी स्टडी करनी होती है प्रॉपर वे में कि आपके कितना ट्रैफिक आ रहा है, अल्टरनेट क्या क्या लोकेशन हो सकते हैं, कैसे आप वॉल्यूम जो उस वॉल्यूम ट्रैफिक वॉल्यूम उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो और कितनी लोकेशन पे आप पास प्रोवाइड कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट केस बनते हैं, इनके बारे में आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। सबसे लास्ट में एक चीज़ और ध्यान रखना, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा साथ में चलता है जब भी डिजाइनिंग की बात आती है, कभी भी आप डिजाइन कीजिए उनको क्या कीजिए आप कभी भी है ना उनका हमेशा चलता है कि इकोनॉमी क्या, आप जो डिटेल एनालिसिस आपने किया है ट्रैफिक वगैरह का जो सर्वे किया है उसे सर्वे कीजिए, ठीक है, आप वहां पर जाकर के ये देखिए कि क्या आने वाले 10 सालों में क्या ग्रोथ हो सकती है, 15 सालों में क्या हो सकती है, ऐसा ना हो आपने ब्रिज बनाया और 5 साल बाद ही वो ब्रिज जो है वो काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पर जो है ट्रैफिक की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो चुकी है और आपको फिर से नया ब्रिज बनाना है तो उसके इसमें गड़बड़ हो जाएगी। साथ ही साथ में आपने जो क्वालिटी जो यूज की है, आपका मटेरियल यूज किया है वो बहुत ज्यादा ओवर आपके ओवर एस्टिमेटेड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एस्टिमेट होना चाहिए, क्वालिटी प्रॉपर प्रोवाइड करनी, ऐसा भी नहीं है कि पैसे बचाने के लिए आपने क्या है क्वालिटी से आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, स्ट्रेंथ आपने खराब प्रोवाइड किया है, तो ऐसा भी हो सकता है वो ब्रिज गिर जाएगा और जनरली हो भी जाता है, लोग सही से प्रोवाइड नहीं करते तो उसके इसमें क्या हो जाता है, उसके इसमें क्या हो जाता है ब्रिज गिर जाता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होता है ट्रैफिक का भी हमें ध्यान रखना होता है कि ट्रैफिक स्टडी क्या है, समझ गए क्या है ना। तो देखो इसके अलावा देखो कुछ एक दो चीजें और भी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, रुको, जो ब्रिज है उस ब्रिज के बारे में ब्रिज से रिलेटेड जो कोड था मैंने बताया था ये इस कोड के बारे में पता होना चाहिए, कोड का नाम क्या है IRC 5 है और ये IRC 5 जो है कोड जो है ब्रिज से रिलेटेड है, इसमें आपको स्कोप के बारे में डेफिनेशन क्लासिफिकेशन तो ये वाली जो कोड की PDF है और जो मैंने पढ़ाया है ये दोनों की दोनों PDF आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी वहाँ से आपको मिल जाएंगी है ना। जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके डेफिनेशन हैं छोटी छोटी जो कि कोड से संबंधित है वो आपको बताऊँ, जैसे एबटमेंट किसे कहते हैं, अपलक्स किसे कहते हैं, अप्रोच किसे होती है, अप्रोच स्लैब किसे कहते हैं, बियरिंग क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, कैम्बर क्या होता है, आपके कोजेज वे कैसे कहते हैं, चैनल क्या होता है, क्लियरेंस क्या होता है, कॉफर डैम है कॉफर डैम क्यों प्रोवाइड करते हैं, कहाँ होता है कैसा नहीं होता है, ये बेसिक चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये क्या है कॉफर डैम का बेसिकली एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होती है जो आपका काम क्या करती है कि जो वाटर वगैरह है या सॉयल वगैरह कहीं पर अगर है तो उसको क्या करती है दूर रखने का प्रयास करती है ताकि आप वहाँ पर आराम से क्या कर सकें काम कर सकें, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा पंपिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट ना हो ना आप कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या कॉफर डैम बना लिया जाता है। कलवर्ट क्या होते हैं, डर्ट वॉल क्या होती है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है ये आपको पढ़नी है, ठीक है ना, एक एक लाइन की डेफिनेशन अगर कहीं आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि रिटेनिंग वॉल क्या होती है, कर्व क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने PDF में पढ़ा दिया, उसके अलावा इसको भी रीड करना है क्योंकि यहाँ पर क्या है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पढ़नी चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन जो उनके फंक्शन के बेसिस पर जो है उनको क्लासिफाई किया हुआ है तो ये फंक्शन के बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन जनरली नहीं पूछते लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। लेंथ के हिसाब से आपके कलवर्ट होता है, ब्रिज वगैरह होता है, ठीक है, जो मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने वहां कवर कर दिया लेकिन फिर भी आपको ये फिर भी पढ़नी है, ये ऑर्डर है रिक्वेस्ट नहीं है, ये फिर भी आपको पढ़ने ही पढ़ने, जनरल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है कंसिडर जब हम करते हैं, समझ रहे हो बात को, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कंपोनेंट जब बनाए जाते हैं उनकी डिजाइन स्ट्रक्चर क्या होती है, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट 100 साल के लिए डिजाइन किए जाते हैं, सेफ्टी का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ये सेफ्टी वाला जरूर पढ़ लेना है ना, ये सेफ्टी वाला जो पॉइंट है इस सेफ्टी वाले पॉइंट्स को भी जरूर पढ़ लेना, ठीक है, डेटा का कलेक्शन किस हिसाब से किया जाता है, ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये PDF अभी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, मैं टेलीग्राम पर और आपका जो ग्रुप है उस दोनों पर मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, बाकी और जो नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा और वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और हाँ एक चीज़ और कि आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच पाए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो उस केस में क्या है उसी केस में मैं आपको ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवा पाऊँगा, ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।